यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सचिवालय में जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बात की जाए जिस हिसाब से दिल्ली सरकार पर जासूसी कांड का बड़ा खुलासा हुआ है, सीबीआई की शुरुआती जांच में सामने आ चुका है कि कैसे पॉलिटिकल पर्सन्स की स्नूपिंग हुई है, और इसी को लेकर के दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज उग्र प्रदर्शन, यहां पर प्रचंड प्रदर्शन जो है वो निकाला गया है। जो एफबीयू यूनिट के नाम के ऊपर केजरीवाल ने ये जो किया है, इसने जो जासूसी की है, इस जासूसी के अंदर ये पता लगता है कि ये लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। मुझे तो ये लगता है कि दिल्ली के अंदर कई सरकारी एजेंसीज को केजरीवाल जी ब्लैकमेल कर रहे थे। ऐसे केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया को ब्लैकमेलिंग के जुर्म के अंदर जो है बंद करना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए कि उन्होंने कितने इसके अंदर किए घोटाले। इनकी अगली कैबिनेट मीटिंग तिहाड़ जेल में होगी। बैरिकेड है, बैरिकेड तोड़ेंगे ना। मुझे दूरबीन से दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में मीटिंग कर रहे हैं। केजरीवाल की तानाशाही नहीं चलेगी, और जिस प्रकार से लोगों की जासूसी कर रही है भाई, थोड़ा सुनो, जासूसी नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत में हम लोग इसका निंदा करते हैं। इससे ये पता चलता है देश में रहना, दिल्ली में रहना लोगों के लिए कितना असुरक्षित हो गया है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगा, बेवकूफ बनाया और दिल्ली की जनता को निरंतर पागल बना रही है। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे षड्यंत्र रच रही है जो केजरीवाल इस पूरी दिल्ली को भ्रष्ट करना चाहती है। दिल्ली से मार कर भगाना है, बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे सरकार को। सर प्रोटेस्ट मार्च यहाँ निकाला जा रहा है क्या केजरीवाल के, जो करना, जो जितनी भी केजरीवाल की करनी है ना, ये नाजायज कर रहे हैं केजरीवाल, आज उसको भुगतना पड़ेगा, एक दिन जरूर भुगतना पड़ेगा। और सिसोदिया और केजरीवाल दोनों जेल जाएंगे घोटालों के अंदर, देखते रहे ना। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेवा वो बैरिकेडिंग क्रॉस करके आगे आ चुके हैं दिल्ली सचिवालय, यहाँ पर जाने का प्रयास किया जा रहा है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, और उनको जो है यहाँ पुलिस की तरफ से डिटेन करने का प्रयास किया। अभी तो प्रशासन रोक रहा है, हम भी इनके साथ शांतिपूर्वक समाधान चाहते हैं, लेकिन हमें सचिवालय तक जाने दिया जाए। हम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ ले जाने के लिए आए। आम आदमी पार्टी कह रही है सारे पॉलिटिकल आरोप हैं। आम आदमी पार्टी तो झूठ की दुकान है, बोलती है भाग जाती है। अगर ये आरोप झूठे हैं तो सीबीआई की जो रिपोर्ट है उसको झूठा कहे। एफबीयू यूनिट क्यों बनाया उसका कारण बताए। सीक्रेट सर्विस फंड कहाँ लगा रहे उसका कारण बताए। कल से एक बार तो मुंह खोले अरविंद केजरीवाल। डिमांड क्या है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हम प्रशासन का सहयोग करेंगे। हम शांतिपूर्वक, हमारा ये प्रदर्शन है, हमको इसमें हिंसा नहीं चाहते। जनता सड़कों पे बैठे हैं इसलिए कि अरविंद केजरीवाल पूरी दिल्ली की जनता को सड़कों पे ले आए, इसलिए हम सड़क पे बैठे। रुको रुको, अगर प्रशासन नहीं जाने दे रहा है, प्रशासन से हम बात कर रहे हैं, हमारी मांग है प्रशासन हमें वहाँ जाने दे। मैं कैसे कह सकता हूँ, अपनी मांग कर रहे हैं वो प्रशासन। हेलो भाई,
केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। यहाँ पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है और केजरीवाल का इस्तीफा यहाँ पर मांगा जा रहा है, मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांगा जा रहा है, जिस हिसाब से लगातार घोटालों में आम आदमी पार्टी का नाम सामने आ रहा है। और अब जो ये जासूसी कांड है इसमें अगर बात की जाए तो किस हिसाब से पॉलिटिकल पर्सन की स्नूपिंग करना, ये अपने में जो है कई सारे सवाल खड़े करता है आम आदमी पार्टी पर, जैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल भी उठा रही है। हमारे साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल है, आइए हम उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है? दामिनी। क्या कहेंगे यहाँ पर अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को नकार दिया कि ये केवल सीबीआई ईडी जो है आरोप लगाते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। देखिए ये कोई नई बात तो नहीं है कि जब केजरीवाल जी ने सीबीआई को नकार दिया है, वो किसको नकार रहे हैं? कोई ऐसा है जिसको वो ना नकार रहे हो? देश की सर्वोच्च संस्था एलजी को उन्होंने नकार दिया जब उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, तो हम केजरीवाल जी से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? उन्होंने किस विभाग पर ये जो एफयू बनाया है, किस उस पर बनाया है? और इसकी जो उन्होंने प्राइवेट और गैर सरकारी और सरकारी संस्थाओं का जो जासूसी कराई है, वो उनके किस संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत कराई है? देखिए और भी कार्यकर्ता उनसे बात करेंगे। क्या यहाँ पर इस्तीफे की मांग की जा रही है? एलजी ने जांच के आदेश तो दे दिए। आदेश तो जो भी दिया, जो जो ये केजरीवाल दूरबीन जो जो अपना जगह जगह पे जासूसी कर रहे हैं, ये बड़ा गलत कर रहे हैं काम। घरों के अंदर कैमरे लगाना, लोगों के पर्सनल कामों के लिए जासूसी करना, ये बहुत बड़ी गलत बात है। देखिए यहाँ पर लगातार जो है वो प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, और इस्तीफे की मांग की जा रही है कि किस हिसाब से जो है जासूसी यहाँ पर की जा रही थी दिल्ली सरकार की तरफ से, और शुरुआती 8 महीने में ही सरकार बनाने के बाद, बहुमत सरकार बनाने के बाद यहाँ पर जो बाकी पॉलिटिकल पर्सन हैं उनकी पॉलिटिकल स्नूपिंग की जा रही थी। डिमांड है यहाँ पे जो प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है बीजेपी, जो जासूसी कांड है इसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सीधे सीधे जेल जाएंगे, सीधे सीधे जेल जाएंगे। भारत सरकार से हमारी गुजारिश है कि ऐसे नालायक मुख्यमंत्रियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेके इनको जेल में भेजें। इनकी जगह दिल्ली का सिंहासन नहीं है, इनकी जगह तिहाड़ जेल है। जांच के आदेश तो एलजी की तरफ से दी जा चुके, मंजूरी मिल चुकी है सीबीआई, मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन केजरीवाल अपनी आदतों से बाहर जाने वाला नहीं है। ये भ्रष्टाचार के नए नए मुद्दे ढूंढता है, कहां कहां से हमें भ्रष्टाचार करना है, किस तरीके से करना है, तो इसके लिए हमारा विरोध प्रदर्शन हमेशा चलता रहेगा। केजरीवाल केजरीवाल एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, जासूसी कराता है बीजेपी के नेताओं की, लीकर पॉलिसी जो थी उसकी पूरी तरह विफल रही, उसका पैसा उनने सारा गोवा चुनाव में लगाया। हमारे साथ भूपेंद्र गोठवाल हैं, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी एस सी सेल के हेड हैं। सर यहाँ पर क्या कहेंगे, उस समय 70 में से 67 सीटें जो है आम आदमी पार्टी की आती है, उसके बाद ऐसा फीडबैक यूनिट बनाया जाता है, अब उसमें सामने आ रहा है 60% पॉलिटिकल लोगों की स्नूपिंग हुई है। नहीं आप खुद देखिए, ये किसने कहा था ये ऐसा फीडबैक कमेटी बनाने के लिए? आपने इस फीडबैक कमेटी के माध्यम से जो जितना बड़ा घोटाला, जो दिल्ली सरकार लगातार घोटालों की सरकार बनती जा रही है, लगातार कोई ना कोई रोज घोटाला होता जा रहा है, जहाँ जनता के हितों की बात करनी चाहिए थी वहाँ अपनी संस्था के ऊपर फीडबैक कमेटी बना रहा है। जहाँ तक देखो आप, लगातार कोई शराब का घोटाला हो, कभी जल बोर्ड का घोटाला है, कभी DTC का घोटाला है, लगातार 8 सालों में इससे पहले किसी सरकार ने इतने घोटाले नहीं किए जितना इस दिल्ली सरकार ने किए। इसमें 1 करोड़ रुपए के सर्विस सीक्रेट फंड के नाम जो है वो भी सामने आ रहा है कि सीक्रेट फंड इसमें जो है वो दिया गया। नहीं 1 करोड़ ये तो वो कह रहा है, अभी आपके सामने जब ये सच्चाई आएगी ये कम से कम 100 करोड़ का घोटाला होगा। और क्या डिमांड है इस प्रोटेस्ट मार्च के माध्यम से? हमें, हमारी डिमांड है केजरीवाल को और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। आपने दिल्ली की जनता के साथ लगातार 8 साल से आप धोखा दे रहे हैं और दिल्ली की जनता को ठग रहे हैं। अब दिल्ली की जनता ठगी नहीं जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोड पर आ गया है, और आने वाले दिनों में अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया
तो ये आंदोलन और बड़ा रूप लेने वाला है। पार्टी का ये कहना था कि हम सचिवालय तक जाना चाहते हैं, पहली बैरिकेडिंग क्रॉस करके दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आगे पहुंचे, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा और यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है दिल्ली बीजेपी के है। इसको लेकर के दिल्ली में लगातार बवाल मच रहा है कि कैसे आखिरकार एक सरकार जो है वो पॉलिटिकल पर्सन्स की जासूसी यहां करवा रही थी, अधिकारियों की जासूसी यहां पर हो रही थी और इसमें सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया का नाम सामने आ रहा है जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उस समय विजिलेंस डिपार्टमेंट के मुखिया जो है वो रहे जब ये फीडबैक यूनिट बनाया गया और इसी फीडबैक यूनिट को लेकर अब जो है इतना बवाल मचा हुआ है दिल्ली के अंदर। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से आज प्रदर्शन किया जा रहा है, शहीद स्थल से लेकर के सचिवालय तक इस प्रदर्शन को ले जाया जा रहा है। दरअसल हाल ही में अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल स्नूपिंग सामने आई है दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी सरकार की, कैसे 2015 में 70 में से 67 सीटें जीतने के बाद भी आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर विधायक चुन करके आए उसके बाद एक विजिलेंस यूनिट को यहाँ पर सशक्त करने के लिए एक यूनिट बनाया जाता है जिसको नाम दिया जाता है फीडबैक यूनिट का नाम उसको दिया जाता है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो अब जो उसमें खुलासा हुआ है 2016 में ही एक अधिकारी की तरफ से, विजिलेंस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी की तरफ से शिकायत की जाती है कि यहाँ पर जो विजिलेंस डिपार्टमेंट को मजबूत करने की बात की जा रही है वो यहाँ मजबूती नहीं हो रही बल्कि यहाँ पर राजनीतिक जो लोग हैं जो संस्थान हैं उनकी जासूसी इस आड़ में की जा रही है और उसी को लेकर के 2016 से ये शुरुआती जाँच जो शुरू हुई और उसके बाद अब हाल ही में 12 जनवरी 2023 को CBI की तरफ से इसमें जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री उनका नाम शामिल है जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के मुखिया थे उस समय, और किस प्रकार से यहाँ पर फीडबैक यूनिट के नाम पर पॉलिटिकल जो पर्सन्स हैं जो अधिकारी हैं यहाँ पर राज्य सरकार के उन पर जो है पॉलिटिकल स्नूपिंग की जा रही थी, जासूसी यहाँ पर उनकी की जा रही थी और जो 700 केसों का खुलासा इस रिपोर्ट में सामने आया है कि 700 केस लगभग 8 महीने के अंदर उस फीडबैक यूनिट ने उनकी जो है जाँच की और उस 700 जो केसों की अगर बात की जाए तो 60% लोग ऐसे थे जो राजनीति से जुड़े हुए थे जो पॉलिटिकल पर्सन्स थे। तो आखिरकार यहाँ पर बड़ा सवाल यही कि क्यों यहाँ पर जासूसी करवाई जा रही थी, दिल्ली सरकार की तरफ से नाम दिया जा रहा था कि विजिलेंस डिपार्टमेंट को हम मजबूत करेंगे लेकिन वो मजबूती के नाम पर विपक्ष की जासूसी करना, तो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल यहाँ पर जो है वो खड़े होते हैं।